Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल सस्ता हो गया, गजा पर जुल्म की दास्तान, मिसाइल बम गोलियां बमुकाबला निहत्ते फलस्तीनी, और सर्दी की एंट्री। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कि आवाम के लिए अच्छी खबर आ गई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की कमी कर दी गई। पेट्रोल 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपए कमी के बाद नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे हो गई। आवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की कमी कर दी गई है। पेट्रोल 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपए कमी के बाद नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत में तारीखी कमी पर आवाम का खुशी का इजहार। मुल्क भर के आवाम का निगरान हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। उनका कहना था, पेट्रोल और डीजल में कमी का फैसला तारीखी है। उम्मीद है अब अशियाए सरफ की कीमतें भी कम होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी होगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पिछले 15 दिन पहले भी इन्होंने 8 रुपए कम किए थे, अभी ये 40 रुपए कम किए। ये बड़ा बेनिफिट है, बड़ा फ़ायदा है भाई। देखें, अगर कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आवाम के लिए खुशी की अलामत है ये। हम ये कहेंगे कि ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसे हुकूमत को ये ख्याल आया है कि गरीबों का कुछ ख्याल कर रही है। सर बहुत अच्छा हो रहा है, इतना भी कम हो सकता है, रिलीफ मिल रहा है आवाम को, उतना मिलना चाहिए। बड़ा अच्छा स्टेप है जी, करना चाहिए, आम बंदे को रिलीफ मिलनी चाहिए। बहुत ही अच्छा हो गया है, महंगाई इतनी है कि हर बंदा परेशान है। 40 रुपये कम आएंगे, आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। बड़ी गरीबों के लिए उन्होंने सहूलत कर दी है, बहुत बहुत गवर्नमेंट वालों ने हमारे लिए फ़ायदा कर दिया, 40 रुपये कम कर दिए। ये तो अच्छी बात है भाई, इसको और भी कम करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, इससे और कम हो जाए तो हमें और खुशी होगी। अच्छा काम किया हुकूमत वालों ने कि 40 रुपये सस्ता किया, ये अच्छी बात है कि इन्होंने 40 रुपये सस्ता किया। जिक्र करेंगे इसराइल की बर्बरियत और जारहियत का। दुनिया में एक शहर गजा था जहां इंसान रहते थे। इसराइली फ़ौज गजा को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए जुल्म की नई दास्तान रकम कर रही है। दुनिया के गुंजान आबाद शहर में हर तरफ तबाही है। शहदा की तादाद 3000 से भी बढ़ चुकी है। एक ही रोज़ में 500 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। इसराइली फ़ौज ने महसूर शहर पर ज़मीनी हमले तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। 9000 से ज़्यादा ज़ख्मियों के लिए अस्पताल में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। दुनिया में एक शहर गजा था जहां इंसान रहते थे। इसराइली फ़ौज गजा को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए जुल्म की नई दास्तान रकम कर रही है। दुनिया के गुंजान आबाद शहर में हर तरफ तबाही ही तबाही है। शहदा की तादाद 3000 से भी बढ़ चुकी, एक ही रोज़ में 500 से ज़ायद अमवात हुई हैं। गजा को सफाई हस्ती से मिटाने की इसराइल को खुली छूट मिल गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के आशीर्वाद से इसराइली फौज ने दुनिया के गुंजान आबाद शहर को महसूरीन का कब्रिस्तान बना दिया। हर लम्हा गजा गजा में रक्सा है। शहर के अस्पताल मरीजों से ज्यादा मुर्दों से भर चुके हैं। गासिब फौज गजा की सरहद पर टैंक ले आई है। इसराइली वज़ीर आज़म ने 3 अतराफ से दहशतगर्द हमलों की धमकी दी है। सिहोनी रियासत अपनी असलियत भी दिखा रही है। महफूज मुकामात पर जाने वालों को भी बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 100 से ज्यादा खानदान रजिस्टर से मिट चुके हैं, जिनका कोई भी नाम लेवा नहीं बचा। गजा में अद्वियात खुराक और पानी खत्म, फंसे खुराक और पानी पहुँचाने की राह में इसराइल हायल है। फिजाई हमलों में फास्ट फोर्स के इस्तेमाल से अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा। गजा की कवरेज किसी भी सहाफ़ी के लिए इंतहाई दर्दनाक लम्हात हैं, जहां लाशें और गासिब फौज के सफाक फौजी इंसानी हकूक को हर लम्हा पैरों तले कुचल रहे हैं। इसराइली फौजी सहाफ़ियों को भी हकीकत से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी शहर पर इसराइल ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखने लगा है। आलमी दहशतगर्द नेतन्याहू ने जंग का दायरा मशरिक़ वुस्ता में फैलाने की तैयारी कर ली है।
इसराइल ने लिबनान को धमकी दी है कि वो हमास इसराइल जंग में ना कूदे, अगर हिजबुल्ला बाज ना आया तो लिबनान को संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन, गजा के मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने पर बात हुई। इसराइल ने गोलान की पहाड़ी पर टैंक्स और असलहा पहुँचा दिया है। नेतन्याहू अगले मोर्चों का मुआयना किया है। गजा की कवरेज किसी भी सहाफ़ी के लिए इंतहाई दर्दनाक लम्हात हैं, जहां लाशें और गासिब फौज के सफाक फौजी इंसानी हकूक को हर लम्हा पैरों तले रौंद रहे हैं। अमेरिका में फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ नफरत शिद्दत की हद तक पहुंच गई है। रियासत में 71 साल मालिक मकान ने फलस्तीनी बच्चे को, आपको बताएं इस हवाले से कि सफाक मुसलमान बच्चों को खंजर के 26 वार करके कत्ल किया गया। जोसेफ के हमले में, आपको इस हवाले से अपडेट करें कि अमेरिका में फलस्तीन मुसलमानों के खिलाफ नफरत शिद्दत की हद तक पहुंच चुकी है। रियासत एलनाइम में 71 साल मालिक मकान में फलस्तीनी बच्चे को कत्ल कर दिया। सफाक जोसेफ जोबा ने 6 साल मुसलमान बच्चे को खंजर के 26 वार करके कत्ल कर दिया है। जोसेफ के हमले में बच्चे की मां शदीद जख्मी हुई है और पुलिस के मुताबिक बच्चे और मां पर हमला नफरत पर मबनी था। कातिल जोसेफ जोबा ने गिरफ्तार उनको कर लिया गया है। गजा में इंसानियत शर्मसार हो गई। ईरान ने गजा पर हमले बंद ना करने की सूरत में जंग का इंडिया दे दिया है। सऊदी अरब कतर मिस्र ने गजा में इंसानी इमदाद फौरी तौर पर पहुंचाने का मुतालबा किया है। चीन, रूस और कनाडा ने भी गजा की सूरत हाल को आलमी बरादरी की चैलेंज से ताबीर करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा के किरदार पर सवाल उठा लिया है। गजा में इंसानियत सोज मजालिम पर मुसलमान मुल्कों में इश्तियाल बढ़ रहा है। ईरान ने इसराइल के गजा पर हमले को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा ने वाजे कर दिया कि ईरान गजा में कत्ले आम पर खामोश तमाशाई नहीं बनेगा। 2,40,00,000 ईरानी रजाकार फलस्तीन में लड़ने के लिए तैयार है। इसराइल ने होश न किया तो मशरिक़ वुस्ता में हर शख्स का हाथ बंदूक के ट्रिगर पर होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात की। सऊदी अरब ने अमरीका से गजा में कत्ले आम बंद कराने का मुतालबा किया। कतर ने भी दोहा में हमास का दफ्तर बंद करने से इनकार कर दिया है। मिस्र ने अमरीका से फौरी तौर पर गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने का मुतालबा किया है। चीन ने भी गजा की सूरत हाल को आलमी अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया। गजा में इंसानी अलमिये को अफसोसनाक करार देते हुए अक्वामे मुत्तहिदा से मदाखलत का मुतालबा किया। रूस की जानिब से सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो कुछ इसराइल ने गजा में किया वो मगरबी ताइद से किया। दुनिया इंसानियत के मुजरिमों का मकरूह चेहरा देख चुकी है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी गजा में कत्ले आम को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि गजा में कत्ले आम के लिए कोई जवाब कबूल नहीं किया जा सकता। गजा में पानी, बिजली और दीगर जरूरी सामान खत्म हो रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इजहार तशवीश, गजा के शहरियों की इमदाद के लिए तेज रफ्तार और बिला रोक टोक रसाई देने का मुतालबा कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि पानी, तिब्बी सामान और ईंधन का जख़ीरा मौजूद है, तमाम सामान घंटों में गजा भेजा जा सकता है। तरसील यकीनी बनाने के लिए पूरे गजा में महफूज माहौल होना चाहिए। अशियाए ज़रूरिया ज़रूरतमंदों तक बग़ैर रुकावट पहुँचाया जाना चाहिए। इजहार आज़ादी का दावा, यूरोप चंद आवाज़ों से खौफजदा। जर्मनी में फलस्तीन के हक़ में निकाली गई रैली पर पुलिस का लाठीचार्ज। जर्मन पुलिस औरतों को सड़क पर घसीटती रही और मारपीट भी की। गजा में इसराइली जारहियत और जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। पूरी दुनिया में मुस्लिम और गैर मुस्लिम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। ह्यूस्टन, गोटिंगटन, बर्न, ज्यूरिख, वियना, एथेंस, टोक्यो, ब्रैडफोर्ड और ग्लासगो में भी फलस्तीनियों से भरपूर हमदर्दी और हिमायत के लिए मुजाहरे किए गए। इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली गईं। पाकिस्तान की इसराइल के मामले पर पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी ने कहा, फलस्तीन हमारे लिए बहुत अहम मसला है। इसराइल ने फलस्तीन पर जारहियत की है, उन्हें शहरी आबादियों पर हमले किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मज़ीद कहा कि हम गजा के मुहासरे की मजम्मत करते हैं। गजा में पानी नहीं, वहाँ बिजली और खुराक का बहरान पैदा हो चुका है। वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है।
Palestine is a very, very important issue for us. Israel has committed aggression. They have conducted airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent. We also condemn the siege of Gaza. In Gaza, people have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crises. غزہ میں مظالم کے خلاف پاکستانی سڑکوں پر آ گئے. کراچی میں جماعت اسلامی کی اپیل پر لبیک یا اقصا فلسطین مارچ کیا گیا. پشاور، کوئٹہ اور لاہور میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطینی بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں جاری قتل عام کی شدید مذمت کی. مسلمان حکمرانوں کے کردار کی بھی مذمت کی. مظاہرین نے او آئی سی اور عرب لیگ سے غزہ میں مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا. معروف گلوکار شہزاد رائے نے اسرائیلی بربریت کے شکار معصوم فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نغمہ جاری کر دیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ایکس پوسٹ کی گئی ہے، جہاں پر ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح صفاق اسرائیلی فوج بمباری سے معصوم فلسطینی بچوں کی جان لے رہے ہیں. گانے کا عنوان حقیقت سے ماخوذ رکھا گیا ہے، جس کے ہدایت کار فیصل قریشی ہیں. آگے بڑھیں گے، یہاں آپ کو بتائیں گے آئی جی سندھ کو مشورہ دینا پولیس افسر کو مہنگا پڑ گیا. پولیس انسپیکٹر فیاض احمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. پولیس افسر نے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ فلسطینی ریلیف فنڈ میں دینے کی درخواست دی تھی. آئی جی سندھ کے علاوہ پولیس افسر نے اسلام آباد کی اہم حکومتی شخصیات اور سفارت خانوں میں بھی وہی خط بھیج دیا. اور موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، ملک بھر میں سردی کی انٹری، مختلف شہروں میں بارش، کراچی میں بادل برس پڑے، شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں گرج چمک تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ دو روز تک جاری رہے گا. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی آج آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. پہاڑوں پر برف باری اور میدانی علاقوں میں بعض مقامات پر یالہ باری بھی متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بنیر، مانسہرا اور ایبٹ آباد میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے. آج نوجوان بے روزگار ہیں، بجلی کے مہنگے بل قیامت ڈھا رہے ہیں، اشیاء قرونوں سے قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، عوام کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا محال ہے. نواز شریف 21 اکتوبر کو ملک کو بحران سے نکالنے کا روڈ میپ دیں گے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے قصور جلسے سے خطاب میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے آئی ایم ایس سے شرائط کے خلاف ورزی کی. آج بجلی کے مہنگے بل گھروں میں قیامت ڈھاتے ہیں، دو وقت کی روٹی پوری ہونا مشکل ہے. آج سے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی. محمد نواز شریف، اس ملک کو معاشی دلدل سے کیسے نکالنا ہے اس کا پورا روڈ میپ دیں گے. عمران نیازی نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، جو شرائط طے کی اس کی خلاف ورزی کی. خودکشی خود تو نہیں کی، عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا. اور اگر ان 16 ماہ میں شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ معاہدے کو استوار نہ کرتے تو پوری دنیا پاکستان سے قطع تعلق کر لیتی. آج خدا نخواستہ وہ حالات ہوتے جس کا ہم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے. آگے بڑھے، آپ کو بتائیں، ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، پاکستان کو بنانے اور بچانے کے لیے سب کچھ کریں گے. ایم کیو ایم کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اورنگی ٹاؤن میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو راستہ چنا ہے کراچی اب کراچی والوں کے حوالے کرنا ہے، منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے. خبر شامل کریں گے شمالی وزیرستان سے، جس کے علاقے میر علی میں شہید سپاہی عبدالحکیم کی نماز جنازہ آبائی علاقے جعفرآباد میں ادا کر دی گئی. سپاہی عبدالحکیم نے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا. شہید سپاہی عبدالحکیم کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران اور شہید کے عزیز و اقارب نے شرکت کی. آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج مادری وطن سے دہشت گردی ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں.
सिक्योरिटी फोर्सेस का सूबा बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन BLA का अहम सरगना सद्दाम हुसैन मुस्लिम को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम ग्रू और जब्बार के नामों से भी जाना जाता था, जो पाक फौज और शहरियों पर मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ऑपरेशन के दौरान सद्दाम का एक और साथी दहशतगर्द मकसूद भी मारा गया। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। दहशतगर्द सद्दाम हुसैन तकरीबन 93 दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस रहा, जिसमें 131 मासूम लोगों की जानें गईं जबकि 177 अफराद जख्मी भी हुए। खबर देंगे कराची से, जहां पर डकैत आज़ाद हैं। मेयर कराची के तर्जुमान भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर आ गए हैं। करमुला पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद लियारी से घर जा रहे थे कि खारादर के करीब दो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने लूट लिया। नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम जख्मी हालत में धर लिया गया। पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया, जबकि माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में भी पुलिस और डकैतों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शाह लतीफ टाउन में आपसी झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं, फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। कराची से ही आपको खबर देंगे, जहां क्लिफ्टन के करीब समंदर में एक शख्स और दो बच्चे डूब गए। शहरियों के समंदर में डूबने के बाद करीब मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने तीनों को निकाल कर क्लिफ्टन के निजी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक डूबने वाला शहबाज यूनुस अस्पताल पहुँच कर दम तोड़ गया, जबकि बच्चों को बचा लिया गया। समंदर में डूबने वाले बच्चों की जान तो बच गई, ताहम वो अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। डूबने वाले बाप बेटे डिफेंस फेस 8 के रिहायशी हैं। गैस सिलेंडर या चलते फिरते बम। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 मरकज में गाड़ी का गैस सिलेंडर फट गया। दो खवातीन जान बहक, बच्चे समेत खातून जख्मी हो गईं। गैस पंप पर गैस डलवाते हुए सिलेंडर फटा, पुलिस ने तहकीकात तक गैस स्टेशन बंद कर दिया। आगे बढ़ें, यहाँ आपको बताएं कि मोदी के भारत में इंतहा पसंदी ने हर हद पार कर दी। हिंदुत्व सोच के लोगों ने जेंटलमैन गेम को भी ना बख्शा। गजा के हक में ट्वीट करने और स्टेडियम में नमाज अदा करने पर रिजवान के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। भारतीय वकील विनीत जिंदल ने दरख्वास्त ICC को जमा करवाई। जिंदल ने दरख्वास्त में मौकफ अपनाया कि रिजवान का इकदाम खेल की अकासी नहीं करता। खेलों के मैदान से ही खबर देंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए कौमी टीम बेंगलोर पहुंच गई है। शाहीन और कैंगरूज 20 अक्टूबर को मद्दे मुकाबले आएंगे। कौमी टीम भी अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में दो मैचेस जीत चुका है। टीम ऑस्ट्रेलिया अभी तक कोई मैच नहीं जीती। ICC वर्ल्ड कप 2023 में पहला बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान के 285 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 40 ओवर्स में 215 रन ही बना सकी। शानदार बॉलिंग पर मुजीबुर रहमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। उंगलियों की महारत ऐसी कि सब दंग रह गए। ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान ने बगैर देखे 12 सेकेंड में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड बना डाला। 14 साला चार्ली एगन्स का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। खुशबुओं के शहर पेरिस से आपको खबर देंगे, जहां सजा एक और फैशन शो। आर्चर रोशा ने खूबसूरत और मुनफरिद फैशन शो का एहतमाम किया। मारूफ फैशन डिजाइनर की मुनफरद और चौंका देने वाली तख्लीक ने हाजरीन को मबहूत कर दिया। यूरोप के 5 फैशन डिज़ाइनर ने अपने खूबसूरत और जदीद तराश खराश के मलबूसात की नुमाइश की। खूबसूरत और नाजुक मॉडल्स ने हर फैशन डिज़ाइनर के तैयार करदा मलबूसात जेब तन करके रैम्प पर कैट वॉक की और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। और बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। रेसलिंग के मैदान में नई तारीख रकम, दो रेसलर भाइयों की सच्चाई पर मबनी दास्तान। हॉलीवुड फिल्म द आयरन क्लॉ का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।